दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं पूछे अपना सवाल और मैं हूं आपकी दोस्त साबिता ठाकुर। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं खेतीबाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी। इसी के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अपने गेस्ट का। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कॉल लगाते हैं उमेश कुमार जी को, जानते हैं उनसे कि क्या है उनका सवाल। नमस्कार उमेश जी, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। नमस्ते मैडम जी। सर, पूछिए अपना सवाल। मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि एलोवेरा की गांठ कहाँ मिलेगी? लखनऊ में राज औषधीय पर्षद है जी। लखनऊ में जो राज औषधीय पर्षद है वो किसान भाइयों को लिए प्रत्येक हर्बल प्लांट पर, यानी जो मेडिसिन के पौधे हैं, देसी दवाओं के पौधे हैं, प्रत्येक पौधे पर अनुदान की व्यवस्था है जी। तो राज्य औषधीय परिषद विज्ञान केंद्र लखनऊ से आप संपर्क कर लें तो वहाँ से आपको ये पौधे एलोवेरा की अनुदान पर मिलेगी और उनके द्वारा ऋण की व्यवस्था भी है। यदि किसान के पास साधन संपन्न नहीं है तो आपको बैंक लोन भी देगा और ये अनुदान भी उस पर मिलेगा। और तीन इसकी अच्छी वैरायटी हैं, ग्रासिलेसी, मार्को और IC111269। ये तीन अच्छी प्रजातियां हैं, इनमें से कोई सी प्रजाति आप बोएं, आपकी प्रति एकड़ लगभग 25,000 रुपया इसकी लागत आ जाएगी और 50,000 रुपया इसके प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, लखनऊ। देखिए, अगर आप सरकारी सहायता चाहते हैं, अच्छा बीज चाहते हैं, अच्छी खेती करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करिए, सब्सिडी भी आपको मिलेगी और वो ट्रेनिंग भी देते हैं। वैसे हमने ये खेती मुरादाबाद में कराई थी, मुरादाबाद में भी इसका बीज मिल सकता है। हाँ, मुरादाबाद में स्टीविया और ये जो आपकी एलोवेरा है, दोनों खेती होती हैं इसके। हाँ, पपीते के साथ लगा सकते हैं आप इसे। इसमें पपीते के साथ ऐसा करना है कि आपको गूल बना के लगाना है फिर ये। अच्छा जी। तो जिस प्रकार आलू की गूल होती है उस प्रकार गूल में लगाइए तो नालियों में पानी चलेगा और आधी गूल में पानी भरिए, ऐसा नहीं पूरा उसे डुबो दें। अच्छा जी। विशेष सावधानी इसकी है। सौंदर्य प्रसादन भी इससे बनाए जाते हैं और ये पीने के काम भी आती है, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करती है, बॉडी रेजिस्टेंट बढ़ाती है जी। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छी चीज है, आप इसमें लखनऊ राज्य औषधीय परिषद से संपर्क करें जी। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे संपर्क करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। सर, जैसा कि उमेश जी एलोवेरा का पौधा लगाना चाहते थे और आपने जानकारी दी, सर एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि एलोवेरा खुद एक औषधीय पौधा है और जब इसकी खेती करता है फार्मर तो कहीं ना कहीं उसको मुनाफा चाहिए, इसलिए वो खेती कर रहा है। तो क्या सर बाकी आम पौधों की तरह ही इसके पौधे में भी कोई कीट या बीमारी की समस्या होती है? देखिए, इसमें कीट तो कोई नहीं लगता, बीमारी की समस्या होती है। इसमें जड़ सड़न हो जाती है, कभी कभी लीफ सड़न भी होती है, तो दो बीमारियां होती हैं। हम तो एडवाइज करते हैं किसान गौमूत्र का छिड़काव करें जी। चूंकि ये औषधीय प्लांट है इसमें केमिकल या कीटनाशक न लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गौमूत्र में क्या है, गौमूत्र का भी दो विधान है, तुरंत के जो किया है वो कम प्रभावी होता है और उसे अगर 8-10 दिन रख लें तो उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, एक प्रक्रिया होती है जैसे गन्ने के रस में होती है। तो वो प्रक्रिया जब हो जाती है तो ये बहुत तीक्ष्ण और खट्टा हो जाता है बेहद जी। और बेहद तीक्ष्ण होने के कारण ये उस बीमारी को खत्म कर देता है। तो गौमूत्र का स्प्रे इसमें बहुत अच्छा रहता है, लाभदायक होता है जी। तो दोस्तों, इसी टिप के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कॉल लगाते हैं सतवीर सिंह जी को और जानते हैं इनसे कि क्या है इनका सवाल। नमस्कार सर, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हमारा प्रश्न है कि बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न कब और कैसे लगाई जाती है और प्रजातियाँ और उससे संबंधित मार्केट। सर, हमारे कार्यक्रम में एक्सपर्ट हैं, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। अच्छा। बेबी कॉर्न की बुआई मार्च में की जाती है। हाँ। और 3-4 प्रजातियाँ इसकी बहुत अच्छी है, HM4। दूसरी वेराइटी है गंगा सफेद। तीसरी वेराइटी है पूसा अर्ली मक्का 3 और ये बहुत अच्छी वेराइटी है। अच्छा। जहाँ तक सवाल इसकी मार्केटिंग का है, हाँ जी, कि इसके लिए खुद प्रयास करना होता है। दूसरा एक पॉपकॉर्न जो है ना जी, जो पॉपकॉर्न जो फूला जो बनते हैं ये पका करके जो मक्का, हाँ,
उसका भी मांस मतलब वही। देखिए वो मक्का अलग है, पंजाब की मक्का है, वो छोटी वाली होती है। हाँ। तो इसके लिए जो दाने होते हैं ना, इसमें विशेषता क्वालिटी ये है कि हमारे यहाँ जो आपके अलीगढ़ या बुलंदशहर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मक्का होती है वो देसी हाँ। मक्का होती है, पीली मक्का होती है, लाल होती है। हाँ। तो वो उतना उसमें दाने मतलब फूलते नहीं है, उसमें ठुड्डी रह जाती हैं। हाँ। लेकिन ये जो पंजाब की मक्का है ये आपका जो है लगभग 100% इसका खीला बनता है। तो अलग वैरायटी इसकी है, तो ये आपको पूसा आरएआई मिल जाएगी। अच्छा, ये मिल जाएगी। हाँ जी। तो इसकी जो पैदावार है पंजाब, ये हाइब्रिड फोर की पॉपकॉर्न की लगभग कितनी हो जाती है एक एकड़ में जी? देखिए एक एकड़ में ये आपकी हो जाएगी 10-12 क्विंटल। इसका रेट लगभग कितना हो तो बेहतर होगा जी? देखिए किसान भाई, हम एक अनुरोध करेंगे, रेट कहीं फिक्स नहीं होते हैं। ना ना ना, बिल्कुल करेक्ट। रेट तो आपके हाँ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। पॉपकॉर्न क्या इस पर दाने बनते हैं मार्च में? कहीं गर्मी की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं दाने न बने? ना ना, दाने बनेंगे। अच्छा। हाँ, आप मार्च में हमने सिंचाई करते रहिएगा। अच्छा। मार्च मार्च का मतलब ये होता है आपकी मई जून में पकेगी ये, तो मई जून में आपको उसमें 8-10, 5-6 सिंचाई कम से कम करनी पड़ेगी। 5-6 सिंचाई? हाँ सिंचाई, क्योंकि मौसम गर्म हो जाता है ना। इसमें बीज किस दर से डाला जाएगा जी? बीज इसमें 12 किलो प्रति हेक्टर। प्रति हेक्टर? हाँ, यानी कि बीघा के हिसाब से माने तो 1 किलो बीघा आपका लगेगा। और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर यानी 1 फुट रखें। अच्छा। सतवीर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे संपर्क करने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ अमर लाल जी को कॉल लगाते हैं और जानते हैं इनसे कि क्या है इनका सवाल। सर, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ हाँ बोलो। सर, आप कुछ जानना चाहते थे अनार के बारे में? हाँ, अनार का पेड़ है, साल में अनार नहीं आए। ठीक है, कितना कितने पेड़ है अनार के? 15-16 15-16। देखिए, जिब्रेलिक एसिड 1 ml, CNA एसिड 1 ml, ग्लाइसिक एसिटिक एसिड 1 ml। तो ये आप तीनों को मिला लें 1 लीटर पानी में और उस पर छिड़काव करें। यानी मोटी बात यह है कि ये तीनों हार्मोन्स हैं और हार्मोन्स की कमी की वजह से ना उस पर फूल आ रहा है ना फल आ रहा है। हार्मोन का एक स्प्रे कर देंगे, उन पेड़ों की धुलाई कर देंगे, तो उस पर पहले फूल आ जाएगा, फल भी आ जाएगा जी। तो अमर लाल जी, आपका हमसे संपर्क करने के लिए और सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ऐसा क्यों होता है कि किसी भी पौधे के फल नहीं लगते हैं या फिर फल गिरने लग जाते हैं, किस चीज़ की कमी की वजह से होता है? ये बोरेक्स की कमी से भी हो जाता है जी, और ये कुछ हार्मोन और भी होते हैं उनकी कमी से हो जाता है। ये हार्मोन का स्प्रे आपको बाजार में हार्मोन की दवा देने छिड़काव की फल फूल रोकने की जी, तो उस पर फल फूल आ जाएगा जी। तो दोस्तों, फिलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूछे अपना सवाल। देखिए, डेयरी फार्मिंग योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, कामधेनु योजना के नाम से है। कामधेनु योजना में किसान भाइयों के लिए ऋण की व्यवस्था बैंक करता है और भारत सरकार इस पर अनुदान देती है। इसके लिए आप अपने जिले के पशुधन चिकित्सा अधिकारी से मिल लें और डेयरी फार्मिंग भी आप कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं पूछे अपना सवाल। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी। चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कॉल लगाते हैं सूरज जी को और जानते हैं उनसे कि क्या है उनका सवाल। हेलो। हेलो, सूरज जी बात कर रहे हैं? हाँ। सर, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ बोलिए। इसमें सर आपको सवाल पूछना चाहते थे? हाँ, वो मैम मेरे पास आम के पेड़ है, मैम वो पेड़ मेरे सूख रहे हैं। पेड़ सूख रहे हैं आपके? हाँ। कितने पौधे हैं आम के आपके, कितने पौधे हैं? 60-70 पौधे होंगे मेरे पास। 60-70 हैं। देखिए, आपने पौधे लगाते समय क्या उनके गड्ढे खोदते समय उसमें खाद डाला होगा, तो क्या उसमें कोई कीटनाशक दवा भी डाली? नहीं। हाँ, दवा नहीं डाली, लेकिन खाद डाला। देखिए, पूरी संभावना ये है कि या तो दीमक या सफेद गिंडार उनकी जड़ों को काट रही है। हाँ, तो इसके लिए अब आप ऐसा करो, पौधे के थांवले बनाए होंगे आपने, थांवले बना रखे हैं फोरेट 10G 50 ग्राम प्रति पौधा। हाँ।
तुलसी पौधा हाँ हाँ थावले में चार ओर बखेर दें और उसे खोद के दवा को मिट्टी में मिला दें और पानी लगाएं उसके उपरांत उसके ऊपर पानी है हाँ थामले में पानी भर दें उसमें क्या होगा कि 4-8 10 g पानी से घुलेगी दवा और वो जमीन में अंदर नीचे जाएगी और वो दवा का प्रभाव कम से कम 1-1.5 meters नीचे तक चला जाएगा और यदि दीमक या गिडार उसे काट रही है जड़ों को तो वो आपका समाप्त हो जाएगा ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए सर ऐसा भी होता है ना कि जब भी हम पौधे लगाते हैं तो उससे पहले ही हमें उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए डालना चाहिए सबसे बेहतर तरीका जैसे उन्होंने कहा कि गड्ढे में मैंने कंपोस्ट खाद डाली लेकिन दवा नहीं डाली 50 ग्राम प्रति पौधा यानी 50 ग्राम प्रति गड्ढा उसमें दवा भी मिला लेते तो ये बीमारी नहीं होती प्रॉब्लम होती नहीं है बिल्कुल तो दोस्तों इसी के साथ अपने अगले कॉलर को कॉल लगाते हैं चुनेश्वर साहू जी को और जानते हैं इनसे कि क्या है इनका सवाल हेलो चुनेश्वर जी बात कर रहे हैं जी चुनेश्वर जी मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से पूछिए अपना सवाल क्या जानना चाहते हैं आप मशरूम के बारे में जी अभी मशरूम मैं लगाना चाह रहा हूँ तो अभी ये सीजन बेटर है कि नहीं है देखिए मशरूम को लगाने का ये समय उचित नहीं है मशरूम लगाने के लिए आपको अक्टूबर नवंबर का समय होता है ये ठंडे तापमान में होती है कमरों में की जाती है या कमरों में व्यवस्था नहीं हो सकती तो इसको छायादार बनाया जाता है आप कपड़ा तान करके तंबू तान करके पॉली हाउस बना करके ग्रीन हाउस बना करके किसी भी प्रकार छाया में इसकी खेती की जाती है ठीक है इसके अलावा इसकी खाद कंपोस्ट खाद बनाई जाती है जो 1 महीने में तैयार होती है कंपोस्ट खाद बनाने के लिए 300 किलोग्राम भूसा 30 किलोग्राम जिप्सम 30 किलोग्राम सीरा और 1 किलोग्राम कीटनाशक थोड़ा यूरिया और इसमें DAP मिला लें तो यह आपकी कंपोस्ट खाद 1 महीने में तैयार होगी श्वेत बटन इसकी अच्छी प्रजाति है तो तब इसे बोएं दूसरा क्वेश्चन आपका डेयरी फार्मिंग के संबंध में है देखिए डेयरी फार्मिंग योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है कामधेनु योजना के नाम से है कामधेनु योजना में किसान भाइयों के लिए ऋण की व्यवस्था बैंक करता है और भारत सरकार इस पर अनुदान देती है इसके लिए आप अपने जिले के पशुधन चिकित्सा अधिकारी से मिल लें और डेयरी फार्मिंग भी आप कर सकते हैं अभी कुछ प्लांट कर रहा हूं मतलब खेती के अंदर कुछ करना चाह रहा हूं तो अभी वेदर क्या है अभी कुछ करने के लिए आप मूंग बो सकते हैं उड़द बो सकते हैं सूरजमुखी बो सकते हैं और इसके अलावा भिंडी तोरई लौकी कद्दू काशीफल खीरा ककड़ी बो सकते हैं कई सारी फसलें हैं मशरूम इस सीजन की फसल नहीं है मशरूम को 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए यानी कि ठंडा ठंडा मौसम चाहिए जिस प्रकार से गेहूं ठंडे मौसम में होता है आलू ठंडे मौसम में होता है ठीक उसी प्रकार से मशरूम ठंडे मौसम यानी कि रबी सीजन में की जाती है मशरूम के लिए आप थोड़ा वेट करें अक्टूबर में लगाएं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए धन्यवाद सर मशरूम की खेती बहुत सारे किसान करना चाहते हैं तो एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी कि क्या मशरूम के फायदे भी उतने हैं मतलब खाने के लिए अगर हम स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो जी हाँ मैडम इसमें ऐसा होता है कि प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है दूसरे इसमें सेलेनियम नाम का एक तत्व होता है जो बॉडी रेजिस्टेंट बढ़ाता है और ये कैंसर रोधी भी है और बॉडी में जब रेजिस्टेंट पावर बढ़ जाएगी प्रतिरोधक क्षमता तो शरीर रोगों से लड़ेगा स्वतः ही लड़ेगा जैसे गिलोय में होती है प्रतिरोधक क्षमता और एलोवेरा में होती है आपका कुछ चीजें ऐसी होती है नेचुरली कि जिनमें लड़ने की क्षमता होती है बीमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है तो कैंसर रोधी है और बीमारियां रोधी है और आपका ये एंटीबायोटिक भी है मतलब कि जिस प्रकार हल्दी एंटीबायोटिक है इस प्रकार ये एंटीबायोटिक भी है तो एक तरह से सब्जी भी है और मेडिसिन भी है इसलिए इसका झुकाव लोगों का झुकाव इसकी ओर ज्यादा हो रहा है जी मतलब किसानों को एक तरफ फायदा पहुंचाती है वो पैसे से मुनाफे से और वैसे ही जो इसको यूज करता है कंज्यूमर है उसके लिए भी बहुत फायदा है जी तो दोस्तों फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद लेंगे और भी सवाल आप कहीं नहीं जाएगा बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी सर आप बरबाटी के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे हाँ मैडम बरबटी का जो पौधा लगा हुआ है सर जी सर पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप इसके बारे में मैडम हल्की सी पत्तियां जो सिकुड़ रही हैं और पीला पन आ रहा था जी देखिए पत्तियों का सिकुड़ना और पीला पन आना ये फफूंद की बीमारी के लक्षण हैं
और फफूंद की बीमारी जब किसी पौधे में आ जाती है तो उसके लिए स्प्रे करना होता है 1 ग्राम बावस्टीन और 2 ग्राम डाइथेन M45, 1 लीटर पानी मिलाएं और जितने पौधे उस हिसाब से उनको अच्छी तरह से धुलाई कर दें, यानी कि स्प्रे कर दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कॉल लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, राकेश साहू जी को, और जानते हैं इनसे कि क्या है इनका सवाल। नमस्कार सर, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। सर आप बरबाटी के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे। हाँ मैडम, बरबाटी का जो पौधा लगा हुआ है सर। जी सर पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप इसके बारे में। देखिए पत्तियों का सिकुड़ना और पीला पनाना ये फफूंद की बीमारी के लक्षण हैं। और फफूंद की बीमारी जब किसी पौधे में आ जाती है तो उसके लिए स्प्रे करना होता है 1 ग्राम बावस्टीन और 2 ग्राम डाइथेन M45, 1 लीटर पानी मिलाएं और जितने पौधे उस हिसाब से उनको अच्छी तरह से धुलाई कर दें, यानी कि स्प्रे कर दें। मैं करेले की भी नर्सरी तैयार कर रहा हूँ पाउच पर। ये पॉलिथीन पाउच है। ठीक, उसमें क्या करना पड़ेगा सर शुरुआती में? तो देखिए करेले की पॉलिथीन में आप तैयार कर रहे हैं, अच्छी बात है। और आप जो है इसकी बुआई 15 फरवरी से 15 मार्च इसका ठीक समय है। अभी चालू है सर, लगभग हो गई। हाँ चालू, आप बो सकते हैं। तो इसमें जो है नालियाँ बनाकर, छोटी छोटी नालियाँ बना करके नाली से नाली की दूरी कम से कम 3 फीट रखें। अच्छा। और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखें जी। और इसकी जो रोपाई करते हैं करेले की दोनों तरह से होती है बुआई, बीज के द्वारा भी होती है सीधे बुआई और पौध तैयार करके भी होती है। आप पौध तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा एक ध्यान और रखें कि जमीन में कोई ऐसा कीटनाशक मिला लें, जैसे फोरेटेंजी है थोड़ा मिला लें, सिस्टेमिक पॉइजन है। हाँ वो भी बढ़िया है। हाँ वो डलवा रहे, ठीक है। तो उससे थोड़ा ये प्रिकॉशनली आपको बीमारियाँ शुरू में ही नहीं आएंगी, स्टार्टिंग में ही। हाँ। और बीमारियाँ आनी नहीं चाहिए। जब फलत शुरू हो जाए तो उसमें 1-2 हल्का फुल्का स्प्रे आप कर दें जी। राकेश जी आप कुछ और जानना चाहते हैं? गिलकी का समय क्या है? देखिए जितनी कुकरबेटेसी समझ रहे हैं आप, लौकी तुरई भिंडी और कुकरबेटेसी जो वैरायटी है, इन्हें आप मार्च में बो दें और 3 महीने आपको फलत देंगी। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे संपर्क करने के लिए और सवाल पूछने के लिए। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण और इतनी सटीक जानकारी आपने हमारे सभी कॉलर्स को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी सो मच मैडम जी। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपका भी है कोई सवाल तो देर किस बात की है, फटाफट अपना फ़ोन उठाइए और पूछिए अपना सवाल। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।